चलिए बढ़ते हैं आगे, बात महाशिवरात्रि के पर्व की कर लेते हैं। कल ये पर्व है और इसको लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन में तैयारियां अंतिम रूप में हैं और जोरों पर हैं। भक्तों में भी शिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। उधर सी ओर की बात करें तो कुपरेश्वर धाम में 7 दिनी रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश के हर हिस्से से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन में तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों में भी शिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। पिछले 8 दिन में बाबा महाकाल का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि पर धूम मचने वाली है। उधर सिहरे में कुमरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में देश के हर हिस्से से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। यहां 51 लाख रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। रुद्राक्ष महोत्सव में प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ शिव पुराण कथा समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें जो रुद्राक्ष रखे जाते हैं, रुद्राक्ष का तो शिवलिंग होता है, पर उसके अंदर जो रुद्राक्ष रखे जाते हैं उसमें कमल रुद्राक्ष होता है, शालिग्राम रुद्राक्ष होता है, गोविंद रुद्राक्ष होता है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष उसके अंदर स्पर्श करने के लिए रखे जाते हैं। जिन रुद्राक्षों का अभिषेक यहाँ पर बाहर से आए हुए सभी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, इन रुद्राक्षों का पूजन अर्चना कर फिर इनको रखा जाता है, फिर बाद में इसको वितरण किया जाता है। कथा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। जिला प्रशासन की ओर से 1200 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कई विभागों के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुंभ की तर्ज पर व्यवस्था की गई है। योजना समिति ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने रुकने सहित अन्य व्यवस्थाएं की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।